सो हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग के अंदर। और आप देख ही रहे हो भाई, मैं शॉल वॉल ओढ़ के घूम रहा हूँ। जब मैं जयपुर से निकला था तो मैं सोच रहा था कि गांव के अंदर ठंड नहीं होगी, एक भी जैकेट नहीं लेकर आया। ब्यूटी यही होती है, देखो छत के ऊपर देखो वो मोर, एक यहाँ मोर, बड़ा अच्छा लगता है यार। ये सुबह सुबह बोलते हैं, शाम को बोलते हैं, तो इनकी आवाज़ सुन के ना बड़ा सुकून मिलता है। गलती मैंने करी, जैकेट में एक भी नहीं लेकर आया और यहाँ पे भाई सर्दी बहुत है और रात को मुझे जुकाम भी लग गई, तो इसीलिए अभी मैं ये शॉल ओढ़ के घूम रहा हूँ। सोनम का भाई, आपको 9 तारीख को यशिका का बर्थडे है और हमने प्लम्बर बुलाया है, बहुत दूर से दिल्ली से बुलाया। ये पूरी सफाई वफाई में लगाओ। हाँ भाई, मैं बहुत चार्ज करता हूँ सर। हाँ बस खारा भागती है दो, कह रहे हैं बस। ठाकुर कब से प्लम्बर बन गया? रामलाल ढंग से काम ना करे तो ठाकुर को ही प्लम्बर हथियार उठाने पड़ते हैं। ठाकुर के हाथ कहाँ से आ गए? ठाकुर तेरे तो हाथ गायब थे ना? अभी भी गायब ही है। अरे झूठ बोलता है ठाकुर, झूठे ठाकुर। रामलाल तुम अपने पर्दा लगाने पे ध्यान दो। तो गाइस देखो, चारों तरफ मोर ही मोर घूम रहे हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है, देखो यहाँ छत पे मोर, नीचे भी मोर, ये देखो सारी जगह मोर ही मोर घूम रहे हैं। अभी इनके जो है ना पीछे जो फूल होते हैं वो शायद गायब हो गए, ये झड़ जाते हैं, वे लेकिन अपने आप ही आ जाते हैं वापस। इस वाले के देखो थोड़े थोड़े हैं। ये वाला मोर ज्यादा सुंदर लग रहा है, वाले मोर से रंग बिरंगा सा लग रहा है। एंड गाइज, यहाँ पे मेरी वीडियो अपलोडिंग पे लगी हुई है। इस घर के अंदर सफाई अभियान चालू है, तो भाई सफाई करने के लिए और भी बंदे बुला लिए ससुर जी ने, क्योंकि भाई एक बंदे से काम होता नहीं। गाइज गांव में है ना सुबह सुबह का मौसम तो बोले तो औसम ही होता है। तो अभी गाइज अभी मेरा है ना, मैं आज आपको सोनम की भतीजों से मिलवाती हूँ, सोनम की बुआ लगती है, तो अभी चल रहा हूँ। उन्होंने चाय के लिए इन्विटेशन दिया था, जस्ट घर के पीछे ही है। ये वाला देखो हमारा घर है और इसके जस्ट बगल वाला घर है। देखो स्वागत के लिए भैंसे लगा रखी हैं यहाँ पे, तीन तीन भैंसे हैं, और ये ना दूसरे आदमी को देख के चमक जाती हैं। हाँ हाय, तुम्हारी भैंस मेरे को जानती नहीं है। तो भाई मैं आ गया हूँ इनके घर पे चाय पीने के लिए, और ये सोनम इन सब लड़कियों की बुआ लगती है और इनकी मम्मी मेरी भाभी लगती है। और देखो हमारे तो भाई राजस्थान में और घर के अंदर सुबह सुबह रोटी बनती है सीधी डायरेक्ट चाय के बाद में। खा भी लिया? तो भाई आधे लोग तो भाई खाना वाना खा के खेतों में भी जा चुके हैं। पापा चले गए होंगे? पापा मम्मी भाई खा के चले गए, और क्योंकि भाई सुबह सुबह जल्दी निकलना पड़ता है। अभी सरसों वरसों कुट रही है। कट गई तुम्हारी सरसों? कट गया, कुटानी बाकी है। उसके बाद सरसों कुटा के फिर उसका तेल वेल निकाल लेंगे, और जो बाकी बचा हुआ जो बनता है उसका खल बनता है ना। हाँ भैंसों के लिए, क्योंकि भाई इन्होंने तीन तीन चार चार भैंसे पाल रखी है गेट पे, तो उन सब के लिए खल भी निकल जाता है। छे सही है। तो गाइज मैं बोल रहा था ना आपको, देखो अपने राजस्थान के अंदर हमारे कहीं पे भी किसी भी घर के अंदर चले जाएंगे तो पाटोड़ जरूर मिलेगी। तो ये पाटोड़ जो होती है बहुत फेमस चीज होती है। तो भाई सुबह सुबह देखो लड़की बहुत मेहनत करके चाय बना के लेकर आई है। और भाई ये चार बहन भाई, ये सबसे बड़े हैं। ये सोनम इनकी बुआ लगती है और मैं फूफा लगता हूँ, और इनका नाम चेतराम है। आपका नाम क्या है? रवीना। रवीना टंडन। तुम्हारा? मनीषा कोराला। और तीसरी? नीलम। भाई सारी हीरोइनों के नाम रखे हुए हैं छाट छाट के। टोड़ा तो यार तुमने बहुत सुंदर बना रखा है, इसमें देखो शीशे वीशे लगा रखे हैं इन्होंने, और बहुत ही सुंदर। किस काम में? मतलब ये उपले उपले जलाने के, चूल्हे जलाने के काम में आते होंगे है ना। हाँ। तो गाइस देख लो, जो शहर वाले लोग हैं उन्होंने देखा नहीं होगा, लेकिन गांव वाले लोगों को तो यूजुअली पता होगा ये क्या चीज है। इसे बोलते हैं गोबर का बिटोड़ा जो बनाते हैं, तो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा बना रखा है। और ये सब काम है ना इन लड़कियों के, इन लड़कियों ने सजा रखा है इस तरीके से। एंड गाइस इसको तो आप जानते ही है, ये मशीन जिससे भैंस की जो न्यार व्यार होती है उसकी कुट्टी करते हैं, फिर उस भैंस को सानी करते हैं, उसी के काम में आती है ये चीज। और हर घर में चले जाओ ये मांडने तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। मांडने स्पेशली मतलब मीना कम्युनिटी के अंदर आपको हर घर के अंदर मिल जाएंगे, मतलब इस बहुत शुभ माने जाते हैं और अच्छा कोई काम होता है, और लीपना भी भाई बहुत ही शुभ माना जाता है, तो ये दिखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। एंड ये बड़े वाला बक्सा, ऐसा बक्सा हमारे गांव में भी है, कल भी मैंने आपको दिखाया था, हमारे घर के अंदर सब जगह आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा सामान कवर हो जाता है। और सबसे मेन चीज गांव की चक्की, चक्की तो जरूरी है, क्योंकि भाई घर के अनाज होते हैं तो कहीं बाहर कहां से पिसवा के लाएंगे, तो घर के अंदर ही चक्की होना सबसे बेस्ट चीज रहती है। और सबसे प्यारी चीज जो सोनम को भी बहुत अच्छे लगते हैं, ये गेंदे वाले फूल, ये सीरियसली देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो गाइस आज घर पे चल रहा है काम, ये नाली का पानी जो है बाहर निकल जाता है, इसलिए मिस्त्रियों को बुला रखा है इसको ठीक करने के लिए, और मिस्त्री लगे हुए हैं। रैप करके तो दिखाते मोटे से। क्या यो बादशाह जैसी शक्ल होती जा रही है तेरी दिन पे दिन। तो गाइस देखो सुबह सुबह सोनम ने है ना जुगाड़ कर दिया, सारे कमरों के अंदर पर्दे लगा दिए। 100 रुपए के पर्दे
कोई खर्चा नहीं, मेंटेनेंस नहीं मांगते। फ्री 400 रुपए में सारे पर्दे फ्री। देख कितने बढ़िया लग रहे हैं, देख। हाँ, दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। सर गाइस भी इनको टेम्परेरी लगाया है, लेकिन अभी लगाएंगे ढंग से। गांव मेरे को इसीलिए अच्छा लगता है, देखो आप एनवायरमेंट में चिड़ियाओं की आवाज ध्यान से सुनना एक बार। ये देखो कितने सारे पक्षियों की आवाज आती है यार, ये सुकून है ना, कहीं नहीं मिल सकता आपको। गांव के अलावा ये सुकून आप कहीं पे भी ढूंढने चले जाओ आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए भाई गांव मेरे को इतना पसंद है, और गांव में आके चाहे मेरा गांव हो चाहे किसी का भी गांव, गांव गांव ही होता है। एंड गांव की खुशबू, मिट्टी, हवा, पानी सब अलग ही होती है। स्टिल गाइज अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुई है, अभी भी अपलोडिंग पे चल रही है। दिखाता 8-7 मिनट है, लेकिन करते करते है ना इसको 10-15-20 मिनट ले लेता है। देखो वो वाला मोर देखो कितना सुंदर है, इसके देखो पंख है, बाकी सारों के पंख गायब है। निया बेटा उठ गया, बातें कर ले मम्मा से। अरे मेरा बेटा, मेरा नियू, नियू मेरा निवान्या। हाँ बात कर रही है। आपकी मसाज कर दूं मैं, कर दूं। चलो निया जल्दी जल्दी, अपन को कहाँ जाना है, अपन को दिल्ली जाना जल्दी से। मेरा बेटा 1 महीने का हुआ, सारी जगह घूमाया, मम्मी के ना, नानी के, दादी के, हर जगह। न्यू बेटा का हो गया मालिश टाइम, मालिश टाइम। निया बेटा का मालिश टाइम, और मेरे बेटे की मालिश हो रही है, बहुत मजा आता है। निवान्या का हो रहा है मालिश टाइम, अले मम्मा तो उल्टा पटक पटक के करती है निवान्या की मालिश। ए ए ए ए ए नहीं छोड़ेगी मम्मा आपको, आज कितनी भी कोशिश कर लो निवान्या, मम्मा नहीं छोड़ेगी आपको। मम्मा तो रगड़ रगड़ के मालिश करेगी आपकी। इसकी मालिश करना गाइस बहुत जरूरी है। पैरों की मालिश को तो इतना एंजॉय करती है, मुंह पे और हाथों की मालिश पे तो ये बिल्कुल चिल्ला जाती है। निवान्या बड़ा होएगा जब देखेगा मेरी मम्मा मुझे कैसे उल्टा कर करके मेरी मालिश करता था। ओ छिट, अब मैं क्या करूं, मम्मा नहीं छोड़ेगी मुझे। क्या नाम है तुम्हारे ठेकेदार का? हेमराज। हेमराज ओनम का क्या कहते हैं, कजन लगता है। तो हेमराज जी इनके ऊपर शक मत करो, हम इनको जानते हैं। तो सुबह का टाइम है और ये तो काम आम में ऐसे ही हो रहे हैं, सरसों कटाई में, काम आम में ऐसे ही हो रहे हैं। सुबह कटवाया है सरसों आप? तो भाई ये तो सुबह सुबह जाके सारा काम करे है 6:30 बजे, लेकिन हम लोग तो सो रहे थे, गुड़िया सोनी नहीं देती रात को। हमारे सामने लाज करती है। पति देखो तुम्हारा कितना सपोर्टिव है, गूंगा डटा रहा है। ये भाई हमारी बड़ी सासू माँ रोटी बना रही है। रोटी बना रहे हो आप तो इतने इतनी बड़ी उम्र में भी? बहु लड़ाई करती है क्या आपके आपसे? भाई अपना काम खुद ही कर लेती है भाई, सब बढ़िया है ना ये। और तुम दोनों नाली। तो गाइज आगे की वीडियो शुरू करेंगे, उससे पहले आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछते हैं कि भाई जो आपका फैशन वेयर है उसके बारे में थोड़ा सा बात करो। तो मैं यहाँ पे जो अपने फैशन के अंदर चीज़ें यूज़ करता हूँ, जैसे कि मेरी ट्राउज़र हो गए, मेरे शर्ट हो गए एंड मेरे शूज़ हो गए, तो छोटी सी कलेक्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप कमेंट करके पूछते हो। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये मैंने शर्ट परचेज़ करी है अमेज़ोन से, काफ़ी क्लासिक, कम्फर्टेबल एंड कॉटन की है। गाइज ये काफ़ी स्लिम फिट है और मेरे को अच्छा लगता है, मेरी बॉडी पूरी अच्छी तरीके से इसमें एक्सपोज हो जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं इसको परचेज करना, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड चीज़, ये जो मेरा पैंट है, जो सिंपल ट्राउज़र है, इसके ऊपर अगर आप डार्क कलर पहनेंगे ना तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगने वाला है। एंड इसका देखो अभी तक मैंने टैग भी नहीं हटाया है। एंड गाइज थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा कि आपको पता है भाई मेरी शूज़ की कलेक्शन बहुत सारी है, मुझे शूज़ बहुत पसंद है। तो ये वाले शूज़ फैंटेसिया के हैं, जो कि मैंने अमेज़ोन से परचेज़ करे थे। तो गाइज जो भी मेरा फैशन होता है, जो भी मैं चीज़ें परचेज करता हूँ, वो अमेज़ोन से बाय करता हूँ। तो गाइज मेरी ये शर्ट, मेरा ये पैंट और मेरे शूज़, तीनों ही मैंने अमेज़ोन से बाय करे हैं। तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लो भाई मौसम भाभी बेर लेकर आई है, मोटे मोटे, इतने मोटे कहाँ पे आ रहे हैं? मारे खेत में। भाई देखो इतनी सरसों हुई, कितनी सरसों हुई है आपकी बार? वो 20 कट्टे, अगर मन में बोले तो कितने मन हुई हो, 10 मन से भी ज्यादा, 400 किलो से भी ज्यादा हो गई वो। हैंड गाइस देखो यहाँ पे भी देखो, बड़े वाले बक्से, हमारे गांव के अंदर कहीं पे भी चले जाओ ये बड़े वाले बक्से तो आपको हर जगह दिख जाए। ले सोनम मैं तेरे लिए एक बेर लाया, तेरी मौसम भाभी लेकर आई खेत में से। सबसे बढ़िया सिस्टम है, यहीं से मोटर चलाओ। गाइस ये सिस्टम बढ़िया है, वहाँ बोरिंग से सीधा पानी आ जाता है, एक बटन दबाते ही। सबसे बड़ी दिक्कत होती है पानी की। तो गाइस गांव में आने के बाद मेरे और सोनम की बढ़िया डाइटिंग चल रही है। और भाई सासू माँ क्या बना रहे हो आज? गाजर आलू मटर, गाजर आलू मटर की सब्जी बन रही है भाई किचन में। और देखो सासू माँ की आज तीसरे दिन तीसरी लुगड़ी है, कितनी लेकर आई थी आप? देखो ये देखो नई लुगड़ी, ये भी काट दी, ये काट, ये देखो भाई जो 3 लुगड़ियां काटी थी ना उसमें से तीसरी दूसरी वाली ये है, अभी एक और है, अभी एक और है। देखो चूहों ने कितना नुकसान कर दिया, तीनों ने इकट्ठी रखी और तीनों में तीनों लगाई। वैसे कल की वीडियो में बहुत बुरा हुआ ना, तेरी फटी चड्डी का राज सारी दुनिया के सामने आ गया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया।
गाइस है ना, दिन भर से मैं काफी हेक्टिक शेड्यूल से बाहर आ गई हूँ, तो मैं सोच रही थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ। महावीर जी घूम के आ जाएं एक बार। मैंने तो देखा नहीं है, सोनम भी दिखाएगी मेरे को, तो आज तक महावीर जी देखा नहीं है। महावीर जी बहुत बड़ा मंदिर है, जैन मंदिर है। गाइस देखो बच्चे स्कूल से। अब बेटा स्कूल कैसी पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है ना? बढ़िया चल रही है। अपने एक गुजर भाइयों का गांव है रंडायल गुजर, और भाई गुजरों की एक खास बात बताऊं, भाई गुजर भाइयों ने बड़े जबरदस्त घर बना रखे हैं यहाँ पे, और अभी और यूनिक यूनिक से घर बताऊंगा अभी आगे। सोनम तो सभी हमारे गुजर भाइयों को रोम रोम आपके भाई की तरफ से। अच्छा लगता है यार आप लोग इतना सपोर्ट और प्यार करते हो, तहे दिल से शुक्रिया। गुजर भाइयों के गाँव में इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वैसे तो हमारे जो ब्लॉग से सभी कम्युनिटी के लोग देखते हैं, अपने हरियाणा से भी बहुत सारे जाट भाई देखते हैं, यूपी से देखते हैं, सारी ही कम्युनिटी हमारे ब्लॉग्स देखती है, राजपूत भाई भी देखते हैं, मतलब सभी देखते हैं यार। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इस तरीके से रहता है, वो भी हमारे ब्लॉग्स देखते हैं। सभी के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, जो कुछ भी है हम आज आप लोगों की वजह से, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है तो सब कुछ है, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं है। तो जाते जाते सभी भाइयों को रोम रोम, मेरी ओर से राम राम लीजिए भैया, ले लीजिए भैया। किस घर की बात करी थी भाई? बहुत बड़ा है, बहुत ही प्यारा बना रखा है। जिस भी भाई ने बना रखा है ना, ये बहुत जबरदस्त घर बना रखा है, मतलब एक तरीके से फार्म हाउस लगता है ये, इतना बड़ा है, पूरा खेत का खेत है और उसके अंदर इतना बड़ा घर बना रखा है, सीरियसली बहुत अच्छा लगता है देखने में। गांव में भी इतने बढ़िया बढ़िया घर बना रखे हैं, इनको देखते ही बनता है। पे कभी गुंडे रहा करते थे ऐसा मेरे पापा मम्मी बताते हैं, बाकी मुझे सच्चाई का पता नहीं। पहले काफी सुनसान था तो यहाँ पे ऐसे बोलते हैं चोरी चकारी होती थी, अब तो काफी घर बन गए हैं तो अब ऐसा कुछ नहीं होता है। और सोनम देखो ये मिट्टी के पहाड़ों में ना मिट्टी खाने आती थी बचपन में यहाँ पे। कुछ भी तुम कहाँ थे? मैं मिट्टियों में भी ब्रांड वाली मिट्टी खाता था, पता चले वो मिट्टी खाता हूँ जिसमें टट्टी करते हो लोग। कतंदा यार तू। ये देखो भैंसों के लिए भाई एसी लगा रखे है, ये देख लो, ये सबसे बड़ी यूनिक चीज लगती है मुझे भैंसों के लिए एसी। वाओ, मतलब इंसानों के लिए एसी नहीं, भैंसों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये गुजरों की ठाटे देख लो आप। तो कहने का मतलब ये इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है, जानवरों की ज्यादा वैल्यू, बल्कि बहुत अच्छी चीज है। गाइस मैं इतना मना करती हूँ, कल शक्ति मिला था मेरे को, आज फिर आ गया, देखो देखो, और नहाया भी नहीं है आज तो बिल्कुल भी। देखो इसकी शक्ल मैच होती है ना बिल्कुल। क्या करें गाइस, काम करना पड़ता है, काम नहीं करेगा तो खाना नहीं देगा मालिक। गाइस थोड़ा सा ही दूर है महावीर जी हमारे गाँव से, मोहचा गाँव से। काफी लोग पूछ रहे थे भाई मोचा के अंदर तो नहीं, मोचा का पूरा है वो अलग है और मोचा अलग है। यहाँ से टर्न करते हुए महावीर जी आ जाता है, ये हम एंटर कर गए महावीर जी, ये बड़ा सा गेट आता है, ये सारे ठेले वेले लगे हुए हैं यार, मस्त कुल्फी उल्फी मिलती, एंजॉय एंजॉय भाई। किसी जमाने में कंचे की बोतल 3 रुपए की मिलती थी, आज कितने की मिलती है? बिल्कुल 10 रुपए की मिलती है, जमाना कितना बदल गया। ये जैन मंदिर है, जो मेन वाला जैन मंदिर है, अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं और अभी आपको अंदर चल के दिखाएंगे। हाल है आपके? बेबी के लिए कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आपकी शॉप है यहाँ पे? मैं आपका हर ब्लॉग देखता हूँ। चलो यार बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एक बार में पहचान ली मैं सखी भैया, ये तो कैसे पहचाना आपने, क्या देख के पहचान? पहले तो मैम पहचान ली, आपकी कटिंग है ना इससे पहचान ली, पहचाना किसी ने। क्या नाम है आपका? सत्यवीर योगी। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल ही रहे थे तो हमारे सब्सक्राइबर हमें मिल जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है यार, कोई भी सब्सक्राइबर मिल जाता है, और जो भी सब्सक्राइबर मिलता है ना मुझे मेरी कटिंग से पहचानता है या फिर मेरी बॉडी से पहचानता है, दो ही चीजें जिनसे मुझे पहचानता है, और ये भैरूपी है तो पहचान में ही नहीं आता। ये वाला मेन मंदिर है। तो गाइस बाहर से देखने में तो बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन महावीर जी का मंदिर सीरियसली बहुत ही बड़ा है, अंदर से इतना बड़ा है मैं आपको बता नहीं सकता। एक बार आई हूँ यार लाइफ में, मतलब मेरा गांव यही है फिर भी, क्योंकि मुझे कोई लेके नहीं आता था, बट अब पहली बार मैं जाऊंगी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। सही है ना, झूमर उमर बढ़िया लगा रखा है बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर मंदिर है भाई। मैंने भी नहीं देखा पहले, मैं भी बाहर से देख लिया। ये जमीन से निकली हुई है गाय के दूध से। अच्छा, गाय के दूध से निकली हुई है। गाय जब खड़ी हो जाती है मजा के तो अपने आप ऑटोमेटिक दूध निकल जाता है। ये नाथ की है, ये लक्ष्मण की है, ये महावीर भगवान की है, ये जमीन से महावीर भगवान का ही शासनकाल चल रहा है। बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही अच्छा है भाई। भाई ये मंदिर बहुत ही बड़ा है, ये मेन मंदिर है, और हमने आदिनाथ जी की मूर्ति भी देखी अंदर, महावीर जी की भी मूर्ति देखी। हाँ। और एक और थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा। एक्चुअल में धरती से निकली हुई है ना वो महावीर जी की मूर्ति, वो यहाँ पे है। तो सीरियसली गाइस आप देखो, बहुत ही अमेजिंग है यार मंदिर। भाई हमें लेकर आ गए यहाँ स्पेशल शॉप पे, राजा कुल्फी पे, और ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ की फेमस है ये।
तो अभी खा के देखते हैं। वैसे तो मटका कुल्फी हमने बहुत खाई है, लेकिन राजस्थान में वैसे भी अच्छी मिलती है। ये वाला है आदिनाथ जी का मंदिर, आप अब आओ तो कभी इसको जरूर घूम के जाना, बहुत ही बढ़िया है। गाइस मेरी निया है ना मेरे साथ सो रही है आज, और इसको सुलाना पड़ता है दूध पिला के ना। आजकल मैं इसको उल्टा करके अपनी चेस्ट में सुला लेता हूँ, इसको बहुत मजे आते हैं, और ऐसे 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 हिलाता हूँ ना तो ये 5 मिनट के अंदर सो जाती है। इसको आदत पड़ गई है गोदी में रहने की। निवान्या न्यू बेटा अभी सो रहा है। अभी पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं दूध लेने के लिए, एंड आज एक नया एक्सपीरियंस करवाएंगे। लास्ट टाइम जब मेरे गांव के अंदर सोनम ने भैंस के दूध निकालने की कोशिश करी थी, जब अनसक्सेसफुल हुई थी, मैं सक्सेसफुल होने जा रही हूँ आज। ये सक्सेसफुल होने जा रही है, कोशिश करूंगी अगर निकल। दोबारा से कोशिश करेगी ये भैंस का दूध निकालने की, देखते इससे निकलता है। क्या नाम है, अपना नाम बताओ? तुआती। ये हम नहीं बोलते इसको तुआती, ये खुद ही बोलती है। हम नाम नहीं बताते। दांत कौन कहां गया तेरा? चूहा है इसका दांत। अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं। और अमूनी भाभी के पास जा रहे हैं, वो मीरा भाभी है, उन्हीं के पास भैंस है, तो चलते हैं अभी वहाँ फटाफट से। देखो कितने सारे लोग हैं हमारे साथ चलते हैं दूध लेने, भी हम कितने सारे लोग जा रहे हैं। स्वाति गाइड बन जाती है हर जगह, आगे आगे चल रही है। गाइस देखो यहाँ पे कितनी सारी भैंस है। अभी शाम का टाइम हो गया सबका, भैंस में दूध निकालने का टाइम हो गया। तुझे भी आता है दूध निकालना? मुंह पे आवे दूध निकाल वो। तो गाइस हम वहीं आ गए सोनमोर के पुराने घर। मम्मी कहाँ गई कल्पना तेरी? भाई कल्पना की मम्मी निकाल रही है अभी दूध। और ये देखो ये क्या बना रखा है, ओलसा। भाभी एक काम करो, आज इसको है ना दूध निकालना सिखाओ। गाइस ये देखो एक बार भैंस कितने गौर से देख रही है, दूसरे आदमी को अपने पास नहीं आने देती। और भाभी की स्पीड देखो एक बार दूध निकालने की, कितनी स्पीड से दूध निकाल रही है। दादी मेरे को देखो इतनी दूर से पहचानगी मेरे को। और क्या, दादी की नजरें आज भी 6x6 है, देख लो। दादी पादरों मिल रहेंगे, लगा आपको दिख नहीं रही दूर से। भाभी कंटिन्यू दूध निकाल रही है बहुत स्पीड से, ताकि ये भैंस नहीं उचक जाए जल्दी से, क्योंकि हमें कंटिन्यूअसली देख रही है, अगर ज्यादा हम इसके पास गए ना तो ये उचक जाएगी। कितना दूध निकलता है इसमें? 1 किलो दे। अच्छा बूटी बूटी भर गई आप तो पैर बूटी बूटी भर। भाभी बाहर हो का बाहर आके बोलियो। गाइस भाभी ना अभी कलुआ से पता है क्या कह रही है, कि कलुआ तेरे में ना शादी के बाद घमंड ना हो। काहे को घमंड ना कलु तुम्हें? आगे फिर पीछे का बोलियो। और बूटी बूटी फुर तो गई। मतलब बूटी फुल, बूटी फुल औरत ना फुर होगी। भाभी कह रही उचक तो डोले हो जो सारी विद्या डब लग गई। विद्या तो लगा दी उसे झाला गाड़ी दी। यहाँ पे पहले 2.5 किलो दूध लेते थे, अभी दूध में है ना अभी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हमारे और नए गेस्ट आने वाले हैं, यशु वगैरह आने वाले हैं। ये देखो तकलीफ, वो फेमस होने में तो बता देना। तो भाभी को हमने देखो मीरा भाभी को फेमस कर दिया। और एक बंदा कमेंट करके पूछ भी रहा था कि आपके साले का नाम भीम है क्या? ये भीम की वाइफ है। हाँ, इन्हीं के हस्बैंड का नाम इन्हीं के हस्बैंड का नाम है भीम। चलो भाभी को दूर से भी लोग पहचान गए, देख लो भाभी आप फेमस हो जाओ कुछ दिन में, तो पूरे गांव के अंदर मोचा गांव के अंदर मीरा कौन है सब जान जाएंगे। थोड़ी फेमस होने लायक है तो हमारी जितनी भाभी ना भाई सारी सुंदर है। कैसी कैसी भैंस पाल रखी है भाभी आपने। भैंस भी इन्हीं के जैसी आड़ियल। ऐसी भी तो ऐसे देख रही गौर से, पता नहीं कौन आ गया और का। तो गाइस मैंने कोशिश करी थी काटने की, बट भैंस में जैसा कि बता रही हूँ आपको काफी अड़ियल और ऐसी है, तो काटने नहीं दे रही। दिराणी भी ऐसी है, दिराणी भी ऐसी। इसलिए गाइस मैंने सोचा दूध पहले इसे अच्छा मैं नहीं काटू, तो भाभी ने दूध काट दिया। भाभी छवड़ा ढेर लगा रखे भाभी के 150 के हैं। तेरे लिए कलवा 120 लगा देंगे, 120 तो निकाल पहले। भीम भाई के लिए 100 रुपये का लगा देंगे। हाँ क्या, हमेशा मेरा बचपन याद आता है, मैं इतनी सी होंगी जब से आ रही हूँ। पहले कह रहा है मैं खूब पीटता था सोनम को, पीटता था मेरे से 15 दिन छोटा है मेरे। ये देखो सरसों लेके आए, मेहनत चल रही है लोगों की। भाई ये दोनों भाई बहन है ना बाइक के ऊपर कट्टा रख रख के ला रहे हैं, वैसे सही है बढ़िया है। भाई गांठ के ऊपर बैठी और खाट तोड़ दी। गाइस ये दोबारा गिर गई। सोरम को यहाँ बिठाया तो इसके नीचे चलेगी, अब वहाँ बिठाया तो उसके नीचे चलेगी। मेरी हंसी कर रही है भाभी, देख रहे ज्यादा। मैं सिर्फ 80 किलो की हूँ, सिर्फ 80 किलो की हूँ, मेरे 55 किलो। 55 किलो की स्लिमेंट्री में भाभी तो मेरे मतलब। गाँव में लड़कियाँ देखो कितनी एक्सपर्ट होती है। मनीषा आपको बाइक चला के दिखाएगी। अरे वाह, बुलेट रानी बन गई भाई ये तो। ये देखो गाइस इजीली चला लेते। ये ब्रेक मारियो कैसे मारता है तू?
ये देखो ड्रिफ्ट देख लो इसकी। तो बुग्गा भी चला लेता होगा तू? बुग्गा मैं टाइम ही चला गया। तू जानती है? बस यहाँ इतने बच्चे एक से एक कलाकार है। ये देखो गाइस, आपने देखा भाई, दूध हमने निकालने की कोशिश पूरी करी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली निकाल नहीं पाए। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। दूध तो हमने ले लिया है, तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। एंड जाते जाते क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और लाइक करना बिल्कुल ना भूले और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले सोनम चुके फिटनेस। मिलते हैं गाइस फिर से अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।